Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to discuss primates and their taxonomy. So let's start. First, we know who are primates. Primates are eutherian placental mammals and they are placed among vertebrates of metazoans in animal kingdom. तो एनिमल किंगडम के मेटाजोन डिवीजन के वर्टिब्रेटा के क्लास में मेलिया से बिलोंग करते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स. Here some definitions are given. First definition, the most descriptive one, was given by Newart in 1873, and he defined primates as unguiculate, clavigulate, placental mammals with orbits encircled by bone, three kinds of teeth at least at one time of life, brain always with posterior lobe and calcarine fissure. The innermost digit of at least one pair of extremities opposable. Hallux with a flat nail or none, a well-developed cecum, penis pendulous, testis scrotal, always two pectoral mammae. तो मेवर्ट के अकॉर्डिंग प्राइमेट्स अंगुलेट एनिमल्स होते हैं जिनकी फिंगर नेल्स होते हैं या टो में भी क्लॉज या नेल्स होते हैं, और क्लेविकुलेट होते हैं मींस दे हैव कॉलर बोन. क्लेविकल जो है कॉलर बोन कहलाती है और ये सारे प्राइमेट्स में होती है. प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, दे हैव प्लेसेंटा, मदर के में प्लेसेंटा पाया जाता है जो फीटस को न्यूट्रिशन देता है, मींस थ्रू प्लेसेंटा फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है. तो ऑल प्राइमेट्स हैव प्लेसेंटा एंड विद ऑर्बिट्स एनसर्कल्ड बाय बोन्स. जो आई ऑर्बिट्स होते हैं उनकी चारों बोन्स एनसर्कल्ड होते हैं, तो बोनी ऑर्बिट्स होती हैं. थ्री काइंड्स ऑफ टीथ एट लीस्ट एट वन टाइम ऑफ लाइफ. तो प्राइमेट्स में तीन तरह के टीथ होते हैं एट लीस्ट एट वन, मींस जो इंसीजर्स कैनाइन होते हैं और प्रीमोलर्स मोलर जो कि टीथ चीक टीथ कहलाते हैं. तो चीक टीथ होते हैं, इंसीजर्स और कैनाइन होते हैं, मींस एट लीस्ट थ्री काइंड्स ऑफ टीथ. हेट्रोडोंटी पाई जाती है प्राइमेट्स में. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं जिनके पर्पजेस डिफरेंट होते हैं. कुछ बाइटिंग पर्पज के लिए होते हैं फूड को, और कुछ च्यूइंग और क्रशिंग पर्पज के लिए होते हैं. तो इस तरह डिफरेंट काइंड के टीथ है. ब्रेन ऑलवेज विद पोस्टीरियर लोब एंड कैल्कराइन फिशर. ब्रेन में खासकर हायर प्राइमेट्स में कैल्कराइन फिशर होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, जिसमें कि जो कैल्कराइन फिशर होता है वो ऑप्टिक रीजन को दो में डिवाइड करता है, और इससे कि जो हायर प्राइमेट्स उनकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज करती है. तो इसके पीछे ये रीजन होता है, उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. एंड द इनर मोस्ट डिजिट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजिबल. तो जो हैंड लिंग या अपर लिंग या फोर लिंग होते हैं उनके जो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज मीन्स हैलक्स या पोलक्स जो होते हैं वो अपोजिबल होते हैं. तो जो लोअर प्राइमेट्स होते हैं उनमें दोनों ही अपोजिबल होते हैं, मीन्स थम और ग्रेट टो दोनों ही अपोजिबल होता है, जबकि जो हायर प्राइमेट्स हैं उनमें थम भी अपोजिबल होता है. और हैलक्स जो कि ग्रेट टो है उसमें फ्लैट नेल या नन में तो कुछ भी नहीं पाया जाता है. अ वेल डेवलप्ड सीकम मींस जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक रीजन वर्ल्ड सीकम होता है, जो कि प्राइमेट्स में पाया जाता है, जो लोअर मैमल्स में नहीं पाया जाता है. और सीकम जो होता है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको रिसीव करता है. पेनिस पेंडुलस होता है मेल के केस में, और टेस्टिस स्क्रॉटल होता है, मीन्स स्क्रॉटम जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस एनक्लोज्ड रहते हैं, एंड इससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है. और ऑलवेज टू पेक्टोरल मैमे, और मेमोरी ग्लैंड्स तो होती हैं जो कि पेक्टोरल रीजन में होती हैं. तो इस तरह ये सारे जो फीचर्स हैं वो प्राइमेट्स में पाए जाते हैं. ली ग्रॉस क्लार्क इन 1959 ही एडेड सम मोर फीचर्स टू ऑर्डर प्राइमेट्स. उन्होंने कुछ और फीचर्स बताए या कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई प्राइमेट्स की, एंड दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय हिम. प्रिजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड लिंब स्ट्रक्चर विद प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइली. अभी जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वर्टिब्रेटा में पाया जाता है, मीन्स जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मीन्स एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स और ये फिशेस मीन्स फिशेस, उन सभी में पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाई जाती हैं. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वर्टिब्रेटा से ही मीन्स मतलब पाया जाता है, और वो सारे मतलब क्लासेस में होता है, पांचों क्लासेस में. तो ये एक जनरलाइज्ड लिम स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइली वो प्राइमेट्स में ही पाई जाती है.
इनके जो 5 डिजिट वाले फिंगर्स या नीचे के फीट होते हैं, मतलब जो हैंड या फीट होता है वो 5 डिजिट्स वाले होते हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। फिर इन्हेंसमेंट ऑफ फ्री मोबिलिटी ऑफ डिजिट्स स्पेशली ऑफ पॉलक्स एंड हैलक्स बोथ यूज फॉर ग्रेस्पिंग पर्पजेस। तो यहाँ पर जो मतलब डिजिट्स होते हैं, मीन्स फ्री मोबिलिटी होती है डिजिट्स की, और खासकर जो पोलक्स एंड हैलक्स हैं, जो क्रेटो और थंब हैं, वो अपोजेबल होते हैं और दोनों ग्रेस्पिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरह ग्रेस्पिंग पर्पस के लिए पोलक्स और हैलक्स यूज कर दिए जाते हैं और ये अपोजेबल होते हैं और इनमें जो प्रेसिजन और प्रिसाइजन ग्रिप जो है इंक्रीज करता है विद द अपोजेबिलिटी ऑफ द थंब। और ग्रेट टो जो है वो भी कुछ लोअर प्राइमेट्स में अपोजेबल होता है फॉर ग्रेस्पिंग पर्पसेस। रिप्लेसमेंट ऑफ शार्प कॉम्प्रेस्ड क्लॉज बाय फ्लैट नेल्स, डेवलपमेंट ऑफ वेरी सेंसिटिव टेक्टाइल पैड्स ऑन द डिजिट्स। तो पहले के जो लोअर प्राइमेट्स होते हैं उनमें कॉम्प्रेस्ड क्लॉज पाई जाती है, मीन्स वहां पर पंजे होते हैं, उनमें नेल्स नहीं होती हैं। और फिर बाद में जो हायर प्राइमेट्स की तरफ जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं तो उनमें फ्लैट नेल्स पाई जाती हैं और उनमें कुछ टेक्टाइल पैड्स भी पाए जाते हैं, सेंसिटिव टेक्टाइल पैड्स भी उनके डिजिट्स में, उंगलियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह जो शार्प कॉम्प्रेस क्लॉज हैं जो लोअर प्राइमेट्स में पाए जाते थे वो फिर रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय फ्लैट नेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरी सेंसिटिव टेक्टाइल पैड्स ऑन द डिजिट्स। देन प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ स्नाउट और मजल। तो जो लोअर प्राइमेट्स थे या अर्ली मैमल्स थे उनमें कुछ स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स जो नोज का रीजन है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता था, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब जो है ज्यादा डेवलप्ड होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो स्नाउट जो है वो छोटा होता गया, तो शॉर्टनिंग ऑफ स्नाउट। तो जो भी हायर प्राइमेट्स हैं वो खासकर प्रोसीमियंस में हमको स्नाउट मिलते हैं, एडवांस स्नाउट्स मिलते हैं, जबकि धीरे धीरे जब हम एंथ्रोपॉइड्स की तरफ जाते हैं तो हमको स्नाउट्स की साइज में शॉर्टनिंग दिखाई देती है। तो प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ स्नाउट एंड मजल। देन नेक्स्ट फीचर है एलेबोरेशन ऑफ विजुअल अपर्टस विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ बाइनोकुलर विजन। अब विजुअल अपर्टस भी एलेबोरेट होता है और इसमें क्या होता है कि बाइनोकुलर विजन डेवलप होता है, मीन्स पहले जो लोअर प्राइमेट्स थे उनमें आईज जो थी वो लेटरली मतलब प्लेस थी, तो उनमें बाइनोकुलर विजन नहीं होता था, जबकि जब आईज जो है धीरे धीरे फॉरवर्डली आईज डायरेक्टेड हो गई, मीन्स आगे की तरफ दोनों आईज प्लेस्ड हो गई, तो वेरिंग डिग्रीज ऑफ बाइनोकुलर मीन बाइनोकुलर विजन जो है उनमें डेवलप होता है, जिसमें कि दोनों ही आईज से एक ही इमेज बनती है। तो ये फिर धीरे धीरे फिर ऑल्फैक्टरी जो अपैरेटस है उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन इन द सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि ऑप्टिक रीजन का इन्हेंसमेंट होता है, विजुअल अपैरेटस का इन्हेंसमेंट होता है, और ऑल्फैक्टरी जो रीजन है ऑल्फैक्टरी अपैरेटस है स्नाउट भी शॉर्टन होती है, वहां पर रिडक्शन होता है क्योंकि स्मेल का भी यूज कम हो जाता है धीरे धीरे जो इवॉल्व स्पीशीज है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, मीन्स प्रोजीमियंस में स्मेल की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि उनमें बहुत सारे सेंट ग्लैंड होती हैं, जबकि जो हायर प्राइमेट्स होते हैं उनमें ऑप्टिक रीजन ज्यादा इन्हांस होता है और जो ऑल्फैक्टरी अपैरेटस है वो रिड्यूस होता है। लॉस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ प्रिमिटिव मेमेरियन डेंटिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ सिंपल मोलर कस्प पैटर्न। तो मोलर कस्प पैटर्न प्रिजर्व रहता है सारे प्राइमेट्स में, और कुछ जो प्रिमिटिव मेमोरी डेंटिशन है उसमें लॉस होता है, जैसे कि जो प्रिमिटिव मैमल थे उसमें 3143 3143 वाला टूथ फॉर्मूला पाया जाता है, जिसमें कि जो इंसीजर्स थे वो 3 होते थे, कैनाइन 1, 4 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये वाला मतलब होता था अपर एंड लोअर जाम में इस तरह का टूथ फॉर्मूला 3143 वाला पैटर्न होता था। तो प्रिमिटिव मैमल में 3143 होता था, फिर जब प्रोसीमियंस या न्यू वर्ल्ड मंकीज की तरफ जाएंगे तो वहां पर 2133 फॉर्मूला मिलता है, जिसमें कि 2 कैनाइन्स मतलब इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 3 प्रीमोलर है और 3 मोलर है, तो 2133 फॉर्मूला आ गया।
फिर जब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स की तरफ जाते हैं हम, मीन्स धीरे धीरे इवोल्यूशन शो कर रहा है इसमें, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन शो कर रहा है। जब हम प्रिमिटिव मैमल को देखते हैं तो उसमें 3143 फॉर्मूला है, फिर प्रोजीनियस या न्यू वर्ल्ड मंकीज की तरफ बढ़ते हैं तो 2133 है, जिसमें कि तीन प्रीमोलर्स हैं, और जब एप्स और लो मतलब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स और ह्यूमंस को देखते हैं तो 2123 फॉर्मूला मिलता है, जिसमें कि दो इंसीजर्स है, एक केनाइन है, दो प्रीमोलर है और तीन मोलर्स हैं। ये वाला जो है वो सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स और ह्यूमन बींग्स में मिलता है, ये वाला टूथ फॉर्मूला। तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन एंड एलेबरेशन ऑफ ब्रेन स्पेशली ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन एक्सपैंड होता है, प्रोग्रेसिव एंड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल प्रोसेस पर्टिकुलरली दोज कंसर्न विद द फीटल अरेंजमेंट, और तो जेस्टेशनल पीरियड भी इंक्रीज होता है हायर प्राइमेट्स में। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमको मिलती है कि कुछ फीचर्स एडवांस्ड होते हैं और कुछ जो प्रिमिटिव फीचर्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। नेपियर एंड नेपियर फर्दर मॉडिफाइड दिस मतलब definition of primates given by earlier Meibert and Legros Clark, and he added two more characteristics to primates, prolongation of postnatal life periods, तो उन्होंने बताया कि जो postnatal life period है वो prolong होता है, early primates में postnatal life बहुत छोटी होती थी, means motherly जो care होता है up to adolescent period वो high primates में apes and humans beings में ज़्यादा होता है, और जो अर्ली प्राइमेट्स से लोअर प्राइमेट्स उनमें पोस्टनेटल लाइफ पीरियड छोटे होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पोस्टनेटल लाइफ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकल अपराइटनेस लीडिंग टू फैकल्टेटिव बाइपेडलिज्म, तो धीरे धीरे हमको दिखाई देता है कि एप्स के बाद जो ह्यूमन बींग में बाइपेडल लोकोमोशन हो जाता है, अर्ली जो लोअर प्राइमेट्स होते हैं उनमें वर्टिकल मतलब क्लिंगिंग एंड लीपिंग होता है, ब्रैकिएशन करते हैं, देन क्वाड्रुपोडल लोकोमोशन होता है, एंड देन इवॉल्व टू मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी मतलब जिसको कि बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। तो हाई प्राइमेट्स में हमको बाइपेडल लोकोमोशन मिलता है, कुछ एप्स में और ह्यूमन बींग्स में बाइपेडल लोकोमोशन होता है, ठीक है। तो क्वाड्रुपोडलिज्म पाई जाती है अप टू एप्स, एंड देन बाइपेडल लोकोमोशन इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। देन अदर फीचर्स जो हैं वो लॉन्गर लाइफ स्पैन है, जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें लाइफ स्पैन इंक्रीज करता जाता है, तो धीरे धीरे जो लोअर प्राइमेट्स थे उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, और फिर धीरे धीरे हायर प्राइमेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो लाइफ स्पैन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एंड सोशल बिहेवियर, जो प्राइमेट्स हैं वो दे आर मोस्ट सोशल क्रीचर्स, तो जितने भी मैमल्स हैं उनमें जो प्राइमेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सोशल एनिमल होते हैं, मोस्ट सोशल एनिमल, जिसमें कि खासकर ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स गिवन बाय सम साइंटिस्ट। नाउ कम टू प्राइमेट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, एंड हियर इट इज ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन, रेजुलिस्टिक क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रेट और फाइलोजेनी। कैरोलस लिनाइस इन 1735 इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे grouped lemurs, lorises, sloths, monkeys, apes and human together and named group as anthropomorphs. Anthropomorph group के अंदर में उन्होंने सारे जितने भी lower primates और higher primates सबको एक साथ रखा Carolus Linnaeus ने 1735 in his book System of Nature, जिसमें कि sloths को अब primates नहीं माना जाता है। Then majority of primatologists believe evolution of primates from order insectivore. तो क्लास मेमेलिया का एक ऑर्डर इंसेक्टिवोर होता है, और माना जाता है ज्यादातर प्राइमेटोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि जो प्राइमेट ऑर्डर है इसका इवोल्यूशन इंसेक्टिवोर से हुआ है। सिम्पसन इन 1963 क्लासिफाइड प्राइमेट्स इनटू टू सब ऑर्डर्स, प्रोसिमी एंड एंथ्रोपोडिया, तो प्राइमेट्स को दो में डिवाइड किया सिम्पसन ने 1963 में, प्रोसिमियंस और एंथ्रोपोइड्स में, और प्रोसिमियंस में ही प्लेस्ड लेमूर्स, लॉरिसेस एंड टार्जियस टुगेदर। तो एमंग प्रोजीमियंस जो सिम्पसन ने, उन्होंने तीन को एक साथ रखा, लेमूर्स, लॉरिसेस एंड टार्जियस को, एंड दिस सिस्टम वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय साइमंस इन 1972, बटनर जानश इन 1973 एंड रॉबर्ट मार्टिन इन 1990। तो तीन लोगों ने फर्दर इसको मॉडिफाई किया और फिर एक फाइनल क्लासिफिकेशन आती है प्राइमेट्स की, ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन। दिस इज ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन
इवोल्यूशनरी रेट और फाइलोजेनी। टुडे देयर आर थ्री फाइलेटिक ग्रुप्स इन प्राइमेट्स, लेमुर्स विद लॉरिसेस, टार्सियस एंड एंथ्रोपॉड्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें प्राइमेट्स जो ऑर्डर है इनको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, प्रोजिमी एंड एंथ्रोपॉडिया में। प्रोजिमियंस जो होते हैं वो लोअर प्राइमेट्स होते हैं, एंथ्रोपॉइड्स आर द हायर प्राइमेट्स। प्रोजिमी आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री इंफ्रा ऑर्डर्स, लेमुरिफॉर्मिस, लॉरिसिफॉर्मिस एंड टार्सिफॉर्मिस, एंड एंथ्रोपॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू इंफ्रा ऑर्डर, प्लैटराइनी एंड कैटराइनी। प्लैटराइंस में सारे न्यू बर्ड मंकीस आते हैं और कैटराइंस में ओल्ड बर्ड मंकीस, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। अब कैटराइन इज अगेन डिवाइडेड इंटू सर्कोपिथेकोइडिया। सर्कोपिथेकोइडिया एक सुपर फैमिली है और होमिनोइडिया दो सुपर फैमिलीज में डिवाइडेड होते हैं। कैटराइन जो कि शार्प नोज मतलब ये एंथ्रोपॉइड्स होते हैं, और प्लेटराइन जो होते हैं फ्लैट नेल होते हैं, फ्लैट नोज होते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लैट नोज होती है मीन्स नॉस्ट्रिल्स मतलब सेट फार अपार्ट, मतलब एक दूसरे से काफी दूर होते हैं नॉस्ट्रिल्स, और यहाँ पर क्लोज रहते हैं। तो इस तरह इनमें ये फीचर्स डिफरेंशिएट करते हैं इनको, प्लेटराइंस और कैटराइंस को। तो प्लेटराइंस में न्यू बर्ड मंकीज आते हैं और कैटराइंस में ओल्ड बर्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। कैटराइनी का डिवीजन होता है सर्कोपिथेकोइडिया एंड होमिनोइडिया में। सर्कोपिथेकोइडिया में अगेन फैमिली होती है सर्कोपिथेसिडी, और सर्कोपिथेसिडी में अगेन दो सब फैमिलीज होती है, सर्कोपिथेसिडी एल्सिनी एंड कोलोबिनी। ठीक है, और एप्स में फिर डिवीजन होता है हाइलोबेटिडी एंड पोंगिडी का। पोंगिडी में पोंगो, गोरिल्ला एंड पैन आते हैं, और फिर दूसरी हाइलोबेटिडी, पोंगिडी एंड होमिनिडी, ये तीन फैमिलीज होती हैं होमिनोइडिया की। तो होमिनोइडिया जो सुपर फैमिली है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फैमिलीज। हाइलोबेटिडी जिसमें कि गिब्बन्स एंड सियामिंग्स आते हैं, जो कि लेसर प्राइमेट्स मतलब ये एप्स में लेसर एप्स होते हैं या स्मॉलर एप्स होते हैं, एंड देन लार्जर एप्स या ग्रेटर एप्स आते हैं पोंगिडी में, जिसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांगउटान आते हैं। एंड देन ह्यूमंस जो होते हैं वो होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमो। ठीक है, तो ये हो गया इधर होमिनोइडिया और सर्कोपिथेकोइडिया, जिसमें कि ओल्ड वर्म की एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं, जबकि जो प्लेटराइनी है उसमें न्यू वर्म मंकीज आते हैं। सीबोइडिया इनकी सुपर फैमिली है, और सीबोइडिया सुपर फैमिली अगेन डिवाइड टू कैलिथ्राइसिडी एंड सीबीडी, ये दो जो है फैमिलीज बन जाती हैं, जिसमें कि न्यू वर्ल्ड मंकीज, हाउलर मंकी, ये सब भी आते हैं, स्पाइडर मंकी। ठीक है, अब तो ये डिवीजन जो हुआ है ये ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन है, मतलब जो प्राइमेट का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हुआ है, एक तो ग्रेड बेस्ड हुआ है जिसमें कि ग्रेजुअलिस्टिक क्लासिफिकेशन जिसको हम इवोल्यूशनरी रेट के आधार पर कहते हैं, और दूसरा क्लेड बेस्ड होता है जो क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन होता है प्राइमेट्स का, जो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ये पी नाथ की बुक से लिया गया है, और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि प्रोजिमी और एंथ्रोपॉइडिया दो सब ऑर्डर बताए हैं, जिसमें कि जो प्रोजिमियंस हैं वो प्रोजिमियंस कहे जाते हैं, जबकि एंथ्रोपॉइड्स को सीमियंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोजिमी जो सब ऑर्डर है वो अगेन डिवाइडेड इंटू, जैसा कि अभी जो पहले की क्लासिफिकेशन बताया था हमने उसमें सिर्फ लेमुरी, लॉरिसी एंड टार्सिफॉर्मिस थी इंफ्राऑर्डर में, यहाँ पे प्लेसी एडेपिफॉर्मिस भी दिया गया है जिनको आर्काइक प्राइमेट्स या फॉसिल प्राइमेट्स मान सकते हैं, एंशिएंट प्राइमेट्स हैं ये। ठीक है, और इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स हैं। देन लेमुरिफॉर्मिस, लॉरिसिफॉर्मिस एंड टार्सिफॉर्मिस को देखते हैं, जिसमें कि एडापॉइड या एडापीडी आता है एक सुपर फैमिली, और दूसरा है लेमुरिडी। लेमुरिडी में लेमुर्स आते हैं और इसमें नॉस्टथैसिनी आता है। ठीक है, एडापिड्स आते हैं, तो नॉस्टथैस और एडापिड्स आते हैं और इसमें लेमुर्स आते हैं, आई आई आता है और इंड्रेस आता है। ठीक है, लेमुरिडी में, लेमुरोइडिया में, लेमुरोइडिया, लेमुरोइडिया जो इंफ्राऑर्डर है उसका एडापोइडिया और लेमुरोइडिया यहाँ पर है, लेमुरिफॉर्मिस इंफ्राऑर्डर है उसकी, लेमुरोइडिया और एडापोइडिया दो सुपर फैमिलीज हैं, और जिसमें कि एडापीडी
और लेमुरिडी, इंड्रिडी और ये सारे जो डोबेंड्रोनाइडी, ये सारे क्या है, फैमिलीज हैं, जिसमें कि जो एनिमल्स हैं वो लेमुर्स हैं, एडापिड्स हैं, आई आई है और इंड्रेस है। फिर लॉरिसिफॉर्मिस आता है जिसके लॉरिसवाइडिया है सुपर फैमिली, लॉरिसिडी जो है इसकी फैमिली है, लॉरिसेस आते हैं इसमें, लॉरिस एंड गैल्गेनी, ये सारे एनिमल्स आते हैं। देन टॉर्सिफॉर्मिस आता है जिसकी टॉर्सिवाइडिया है सुपर फैमिली, और इसकी टार्सिडी जो फैमिली है, और फिर टार्जियर्स आते हैं इसमें। इसी तरह एंथ्रोपोइड जो कि सीमियंस कहलाते हैं, ये सब ऑर्डर के जो इंफ्रा ऑर्डर दो होते हैं, प्लेटराइनी एंड कैटराइनी। प्लेटराइनी को न्यू वर्ल्ड मंकीज कहा जाता है और कैटराइनी में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। अब या न्यू वर्ल्ड सीमियंस या ओल्ड वर्ल्ड सीमियंस कह सकते हैं। अब प्लेटराइन में एक ही सुपर फैमिली है सीबोआइडिया, और सीबोआइडिया की दो फैमिली है सीबीडी एंड कैलिथ्राइसिडी, और सीबीडी में ट्रू मंकीज आते हैं और कैलिथ्राइसिडी में मार्मोसेट्स आते हैं और टैमरिन्स आते हैं। अब सीबीडी में ट्रू मंकीज आते हैं जिसमें कि गोल्डी मंकी है, स्पाइडर मंकी है, हाउलर मंकी है, ठीक है, आउल मंकी, ये सारे मंकीज आते हैं जिनको न्यू वर्ल्ड मंकीज कहा जाता है। और कैटराइनी में जो सर्कोपिथिकोइडिया वाली सुपर फैमिली है, इसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं जिसकी की फैमिली होती है सर्कोपिथिसिडी, और सर्कोपिथिसिडी फैमिली है जिसमें कि कोलोबनी और सर्कोपिथिसिनी मतलब कोलोबस होते हैं, और चीक पाउच मंकीज होते हैं, मीन्स जो लीफ मंकीज होते हैं और चीक पाउच मंकीज होते हैं, ठीक है, दो तरीके के ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं। फिर होमिनोइडिया में तीन फैमिलीज आती हैं, हाइलोबेटिडी, पोंगिडी एंड होमिनिडी, और जिसमें कि हाइलोबेटी में स्मॉलर एप्स आते हैं, गिब्बन्स, यामिंग। फिर आते हैं ग्रेट एप्स जिसमें कि गोरिल्ला, ओरंगउटान एंड चिंपैंजी आते हैं, एंड देन होमिनिडी में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन भी जो है ग्रेडिस्टिक क्लासिफिकेशन है किया गया है। देन कहीं कहीं पर बुक में दिख जाता है जैसे कि बी एम दास की सोर्स बुक है, और इसमें टुपेई फॉर्मिस को भी दिया गया है। टुपेई फॉर्मिस एक इंफ्राऑर्डर है जो प्रोजीमियंस के ही साथ रखा गया है, मीन्स प्रोजीमियंस में ही इंफ्राऑर्डर टुपेई फॉर्मिस भी रखा गया है, एमंग टार्सी फॉर्मिस, लॉरिसी फॉर्मिस एंड लेमुरी फॉर्मिस। और ये टुपेई फॉर्मिस को बाद में यहाँ से प्रोजीमियंस से या खासकर पूरे प्राइमेट ऑर्डर से ही हटा दिया गया इसको, और पहले इसको इसमें रखा गया था। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन शो करता है, कहीं कहीं पे बुक में मिल जाएगा, जिसमें कि टुपेई फॉर्मिस को भी प्रोजीमियंस के अमंग रखा गया है, लेकिन बाद में इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस डिवीजन से हटा दिया, प्राइमेट ऑर्डर से हटा दिया। तो ये माने जाते हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोजीमियंस हैं ये, जो कि अभी ऑर्डर प्राइमेट से हटा दिए गए हैं। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग प्राइमेट्स में बी रिकॉर्डेड एज लिंक विद द इंसेक्टिवोर्स फ्रॉम वेयर द प्राइमेट्स वर इवॉल्व। तो ट्री शूज इसमें आते हैं, और ये माना जाता है कि इंसेक्टिवोर्स इनका लिंक है। दे आर थ्री ओपिनियंस रिगार्डिंग देयर पोजिशन इन द एनिमल किंगडम। फर्स्ट जो है मतलब जो ओपिनियन है, दैट इज दे आर प्राइमेट्स, बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेट्स। सेकेंड ओपिनियन है दे बिलोंग टू ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। एंड थर्ड ओपिनियन देयर शुड बी अ सेपरेट ऑर्डर फॉर देम। और मानते हैं कि प्राइमेट ऑर्डर से हटाकर इनका एक अलग से एक ऑर्डर बना देना चाहिए। सिम्पसन प्रेफर्स टू पुट देम अंडर लेमुरी फॉर्मिस, मेकिंग अ सेपरेट सुपर फैमिली टुपोआइडिया। तो उन्होंने लेमुरी फॉर्मिस के अंदर ही इसको टुपोआइडिया करके एक सुपर फैमिली रखने की सलाह दी। देन स्ट्रॉस सजेस्टेड सेपरेट सब ऑर्डर टुपोआइडिया फॉर देम। बटनर जॉनस मेड अ सेपरेट टुपेई फॉर्मिस फॉर देम। उन्होंने इंफ्रा ऑर्डर टुपेई फॉर्मिस उनके लिए प्रेफर किया, टुपेई फॉर्मिस जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो ये बटनर जॉनस ने ऐसा प्रेफर किया था प्राइमेट में, फिर बाद में इनको इस प्राइमेट ऑर्डर से हटा दिया गया। जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है उनमें टुपेई फॉर्मिस नहीं मिलता है। एंड टुपेई फॉर्मिस के जो टुपेडी हैं, मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं एनिमल्स, ट्री शूज, मोल, ये सब, ये ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया पाए जाते हैं। क्लैडिस्टिक और क्लेड बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स।
This system was originally proposed by Pocock in 1918 and Hill 1953 and was later accepted by most of the present-day anthropologists, including Eaglen 1983, Hertz 1985, Corosini and Sio-Coni 1987, Grover 1992, etc. In this analysis, total characters of living forms, including anatomy, eye structure, presentation, fetal membranes, etc. are considered and is not based on phylogeny. तो यह इसमें complete body characteristics में include किया आते हैं, इसमें phylogeny evolutionary point of views में classification नहीं होता. यह lemurs and lorises are placed against the tarsiers and anthropoids. तो lemurs and lorises को यहाँ पर prosimians में रखा गया है, जिसका कि नाम दिया गया है strepsirrhini. तो strepsirrhini है, wet nose primates है. तो यहाँ पर order primates को दो divisions किए जाते हैं, वेट नोज प्राइमेट जो strepsirrhini कहा जाते हैं और ड्राई नोज प्राइमेट जिसको haplorrhini कहते हैं. तो ये जो क्लेटिस्टिक क्लासिफिकेशन है इसमें ऑर्डर प्राइमेट इज डिवाइडेड इनटू टू strepsirrhini एंड haplorrhini. इन strepsirrhini दे आर प्लेस्ड लॉरिसेस एंड लेमूर्स एंड इन haplorrhini टार्जियर्स आर प्लेस्ड अलोंग विद ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो टार्जियर्स है यहाँ पर मतलब टार्सी फॉर्म में splatirrhini है जिसमें की न्यू वर्ल्ड मंकीज है एंड देन catarrhini ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स है और ह्यूमन बींग्स है. ठीक है, तो ये सारे कुछ आते हैं. तो एंथ्रोपोइड्स के साथ रखा गया है टार्जियस को इन haplorrhini एंथ्रोपोइड अमंग द एंथ्रो मतलब टुगेदर विद द एंथ्रोपोइड्स टार्जियस आर प्लेस्ड एंड व्हाइल जो प्रोसीमियंस हुआ करते थे लॉरिसेस एंड लेमूर्स वो strepsirrhini में रखे गए हैं. तो इट बाइफर्केट्स द प्रोसीमियंस एंड कंसीडर्स द टार्जियस विद द एंथ्रोपोइड्स. ठीक है, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ होमिनोइड्स. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने अर्लियर क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो होमिनोइड या सुपर फैमिली थी उसमें तीन फैमिलीज आती थी, पोंगिडी मतलब हाइलोबेटिडी, पोंगिडी एंड होमिनिडी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिवाइज किया गया क्लासिफिकेशन उसमें हाइलोबेटिडी को तो अलग रखा गया है लेकिन पोंगिड्स को होमिनिड्स के अंदर रख दिया गया है. मींस जो होमिनिड्स हैं होमिनिडी फैमिली है उसके अंदर ही पोंगिड्स को रखा गया है. तो हाइलोबेटिडी एंड होमिनिडी ये दो फैमिलीज अब हो गई हैं होमिनोइड या सुपर फैमिली की. तो जो रिवाइज क्लासिफिकेशन या रिसेंट क्लासिफिकेशन है ग्रेट बेस्ड उसमें जो होमिनोइड या जो सुपर फैमिली है उसमें अब दो फैमिलीज होती हैं बजाय तीन के. पहले रहती थी हाइलोबेटिडी, पोंगिडी एंड होमिनिडी, अब है हाइलोबेटिडी एंड होमिनिडी. हाइलोबेटिडी में गिब्बन एंड सियामिंग आते हैं जो कि पहले भी आया करते थे, जो लेसर एप्स कहलाते हैं, स्मॉल एप्स कहलाते हैं, जबकि होमिनिडी में पोंगिड्स एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं. तो पोंगिड्स में आते हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरंगुटान एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं. ये सारे कुछ होमिनिडी में आते हैं. तो होमिनिडी में पोंगिन्स हैं, गोरिल्लास हैं एंड होमिनिन्स हैं. और होमिनिन्स में जो पोंगिड्स एंड गोरिल्लास हैं वो अलग हो गए हैं और होमिनिन्स में चिंपैंजी आते हैं और बोनोस आते हैं. तो बोनबोस एंड चिंपैंजी जो है वो होमिनिन्स में आते हैं और होमिनिन्स में ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनमें बाइपेडल लोकोमोशन पार्ट. ये सारा कुछ रिवाइज क्लासिफिकेशन है होमिनोइड या सुपर फैमिली का. एक और चीज जो अभी रिसेंट क्लासिफिकेशन में दिखाई देता है जिसमें कि डार्विनियस मैसिली करके कुछ प्राइमेट्स हैं जिनको रखा गया है. ये एक सब स्टेम है मतलब ये जो एंथ्रोपोइड्स हैं इससे अलग किया गया है इसको, पर इनको हैप्लोराइंस में ही रखा गया है. मतलब ये स्टेम एंथ्रोपोइड है एंड दे आर हैप्लोराइंस. इनको strepsirrhini में नहीं रखा गया डार्विनियस मैसिली को. और ये टुपोइडिया यहाँ पे थी उसको भी आउटस्टेम कर दिया गया है, मीन्स यहाँ से प्राइमेट से हटा दिया गया है. और लेमुरोइडिया और लॉरिसोइडिया को एक साथ रखा गया है. देन टार्सियोइडिया जो कि एंथ्रोपोइड्स के साथ ही उनका माना जाता है एक साथ रखा जाता है क्लेडिस्टिक में हैप्लोराइनी में. फिर टार्सियोइडिया से यहाँ पर हम देखते हैं सर्कोपिथिकोइडिया और होमिनोइडिया हो जाते हैं और सिबोइडिया. सिबोइडिया सर्कोपिथिकोइडिया एंड होमिनोइडिया जितने भी प्लेटराइंस और कैटराइंस
ये एक साथ रखे गए हैं, और फिर डार्विनियन नज़ीले हैं जो कि एक स्टेम एंथ्रोपॉड माना जाता है, और इसको फ्रेंजन एटोल ने 2009 में इसको बताया है। तो ये कुछ रिसेंट डिस्कवरीज हैं क्लेडिस्टिक बेस क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स में। थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास।